नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आप विद्यार्थी हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है और कौन से चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन है वो सारी बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर एक पेपर होने वाला है और 3.25 घंटे का ये आपका समय रहने वाला है इसमें, और टोटल 80 नंबर का ये पेपर आएगा और 20 नंबर आपके सेशनल यानी इंटरनल रहने वाले हैं। कैसे कैसे क्या रहने वाले हैं उस पर सब की कोई जानकारी हम देने वाले हैं आपको। सबसे पहले जो सेक्शन फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर सेकंड है ये यूनिट फर्स्ट में रखा गया है। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। ये 8 नंबर की आपकी है यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं तो यूनिट सेकंड आपकी मनी एंड बैंकिंग जो है, इसमें चैप्टर नंबर थर्ड है, ये भी आपके 8 नंबर का है। बात करते हैं यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 है लेकिन इसके मार्क्स नहीं दे रखे हैं, हम काउंट करके देख लेंगे इसके मार्क्स कितने होते हैं, पता चल जाएगा ये भी। यूनिट 4 के बात करते हैं तो यूनिट 4 जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 रखा गया है, ये 8 नंबर का है। और यूनिट 5th जो है उसमें चैप्टर नंबर 6 रखा गया है, ये 8 नंबर का। कुल मिलाकर के हम रेशियो देख रहे हैं तो सबका 8-8 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी यूनिट 4 है ना, यूनिट 3rd है, ये भी 8 नंबर की रहने वाली है। चिंता करने की इसमें कोई जरूरत नहीं, ये भी कितने नंबर की है, 8 नंबर की रहने वाली है, ये भी 8 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड आपके पार्ट बी की। पार्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपका यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट है वो 6 नंबर का रहने वाला है। यूनिट सेकंड जो है कंज्यूमर बिहेवियर, ये 12 नंबर का, भाई साहब अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट थर्ड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी 12 नंबर का है। और यूनिट 4 जो है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है वो 10 नंबर की रहने वाली है। और यूनिट इसमें 4 और 5 चैप्टर दोनों आने वाले हैं, ये दोनों चैप्टर इसके अंदर है 10 नंबर का। और बुक्स कौन कौन सी रहने वाली है, एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पुस्तकें ये रहने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है, किस रिलेटेड सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आप सभी अपने उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।